नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आबिन 24 न्यूज। दोस्तों इस समय अपना आशियाना करनाल में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं अपना आशियाना आश्रम के बाहर हम खड़े हैं और जिस तरीके से मजलूम लाचार लोग मिलते हैं उन्हें और फिर यहां पर जो है कई कई सालों से वो लोग अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं और ऐसे में अब पानीपत से एक महिला मिलती हैं जो कि बताया जा रहा है कि मंदबुद्धि वो महिला थी और जिसके बारे में वहां की एक समाज सेविका उन्हें पता लगता है और फिर वो उन्हें यहां पर लेकर आती हैं। तो आपसे अपील है इस वीडियो को शेयर करें, फिलहाल यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। नारी तू नारायणी के नाम से एक संस्था चलाने वाली महिला सविता आर्या जी, जो पहले भी जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई थी, क्योंकि पहले भी उन्होंने ऐसा ही एक कार्य किया था जिसके अंदर एक लड़की को उन्होंने बचाया था। तो एक बार बात करने की कोशिश करते हैं उनसे। मैम क्या कहना चाहेंगे, पानीपत से यहाँ आए हैं, कहाँ से ये लड़की मिली और क्या? ये सेक्टर 13-17 में लावारिस घूम रही थी और दो तीन महिलाओं ने इसको देखा और ये इसके दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो कपड़े भी जैसे बार बार में निकालने की कोशिश कर रही थी, तो उन महिलाओं ने इसको पकड़ा क्योंकि वहाँ पुरुष घूम रहे थे उधर से, तो वो सेक्टर 13-17 में थाना में लेके गए और वहाँ जाने के बाद फिर थाना की जो आईओ थी उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि भई ऐसे ऐसे एक महिला है, इसको कहाँ पे रखे, क्योंकि पानीपत में इस तरह का कोई आश्रम नहीं है। जी। तो जितने भी इस तरह की लावारिस पुरुष या महिलाएं हमें मिलते हैं तो हम कपिल मल्होत्रा के माध्यम से यहीं अपना आशियाना में भेजते हैं। जी जी। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इनके साथ आई हूँ, क्योंकि मैं भी देखना चाहती थी कि मैंने भी अब से पहले बहुत सी महिला और पुरुषों को यहाँ पानीपत से भेजा है, तो मैं देखना चाहती थी कि यहाँ पर ये किस तरीके से सेवा कर रहे हैं और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि अपनापन जो इनके अंदर है एक दूसरे से, जैसे मान लिए चाहे उनका दिमागी हालत भी ठीक नहीं है लेकिन उनके अंदर फिर भी अपनापन है, तो जो ये सेवा है वो कहते हैं कि नर सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है और मानवता की जो सेवा करते हैं इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। आज बहुत अच्छा लगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको साधुवाद देती हूँ कि इस तरह की सेवा जो ये कर रहे हैं, और आपको भी मैं साधुवाद देती हूँ जो आप इस महिला का कवर करोगे और इसको दिखाओगे, शायद इसका परिवार मिल जाए और ये ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, अपने घर चली जाए। तो ये हमारा महिला का हाल क्या है, कैसे मतलब उसका हाल था जब वो मिली या बात कर रही है या क्या कुछ? इसको दो तीन जगह चोटें भी लगी थी, तो इसको हॉस्पिटल में भी ले जाया गया था, वहाँ पे इसका वहाँ भी ये नहीं रुकी, मतलब भाग रही थी, वहाँ परेशान कर दिया इसने पूरी तरह से पूरे हॉस्पिटल को भी, क्योंकि वो बांध के भी नहीं रख सकते इस तरीके से, इसको मारपीट भी नहीं कर सकते क्योंकि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं, तो इसको पकड़ के मुश्किल से, मतलब उम्र कितनी है लगभग? इसकी लगभग 25 और 30 के बीच में, 25 और 30 के, यानी ज्यादा उम्र नहीं है? नहीं, ज्यादा उम्र नहीं है। तो बात करने में सक्षम है? बात कर रही है? नहीं, अपने आप ही बोल रही है, कुछ बोल रही है और मतलब मंदबुद्धि है, मंदबुद्धि बिल्कुल, ये इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और मतलब इसकी सबके सामने इसको रख भी नहीं सकते थे क्योंकि ये सारे भी गंदे तरीके से कुछ इशारे भी करती है। जी जी, तो वो चीज़ें इसलिए इसको लाना यहाँ पे बहुत जरूरी था। तो यहाँ पर अपना शियाना आश्रम के बता दें जो संचालक है उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो वो महिला है फिलहाल उन्हें यहाँ से आपको बता दें कि इसी गाड़ी में वो लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं, और ये महिला जो है बता रहे हैं कि कई बार जो है एग्रेसिव जो है हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो महिला को लाने में काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर उम्र भी ज़्यादा महिला की नहीं है, आप देख सकते हैं लगभग 25 से 30 के आसपास की महिला की उम्र है और उसे कई बार जो बता दें कि कल लगभग सेक्टर 13-17 के पानीपत के एरिया से ये महिला मिलती है और फिर यहाँ पर जो है बात करने की कोशिश भी करेंगे महिला से। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? तो आप पानीपत में कैसे आए? पानीपत आए गलम काम करने के लिए। काम करने आए? हाँ, काम करने आए। अच्छा, तो मम्मी पापा आए, मेरे दो लड़के आए। अच्छा, ठीक, तुम लोग इतने लोग काम करते हैं, हमारे बहनी भानोई आई है, उसके बाद में पापा ने उनकी करी है, मेरे भानोई की लड़का की शादी उदी करवाई, इन्हें चोरी चोरा करवाई दी, हमें नहीं पता लगन, उन्हें बहुत छोड़ी, फिर उनने मेरे घर वालों छुटवाई के 1,56,000 रुपये लो पापा ने, मगर हमें पागल बनाए घुमाओ। आपके परिवार के सभी लोग कहाँ पे हैं? सभी लोग तिलहार कटरा तिलहे बतलैया नवादा में। कौन सी जगह बता रहे हैं? तिलहर कटरा के बीच में है नवादा। अच्छा, बिहार? नहीं, बतलैया नवादा। बतलैन? बतलैया नवादा, खाली बतलैया। अच्छा, ठीक है। आप घर जाना चाहेंगे? आप अपने घर जाना चाहते हो? हाँ, हम घर जाएंगे, हमारे अपने लड़के हैं, अपने लड़का हम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो लड़के, खाली बस दो लड़के हैं। हाँ, खाली दो लड़के हैं। पति क्या करते हैं? पति हमारे घर वाले को कानो गाड़ी चलाते हैं, बस गाड़ी चलाते हैं। हाँ, बस चला रहे हैं। अच्छा, हाँ।
बस चलाओ थे तो मैं छोड़ दो, बात करने की कोशिश भी करेंगे। ये चोटें कैसी लगी है सारी आपको? चोटें कैसी आई है? जब मम्मी पापा ने मारो हूँ। मम्मी पापा ने आपके? हाँ। आपके मम्मी पापा ने? हाँ, आप मेरे मम्मी। क्यों क्यों मारा? क्यों उन्हें जय बात मारते हैं, मैं खाली चूतिया बनाई देते हैं, कादे जा चूतिया है, जब पागल है हमें पागल बनाए के हमें मारपीट कर लेते हैं। जी सब चोट देखो अंकल लगी जी देखो। आप अपने माता पिता के घर रह रहे हो या पति वाले माता पिता? आप देख सकते हैं पैर का हाल, क्या देख सकते हैं जिस तरीके से काफी ज्यादा बुरी हालत है। और यहाँ पर जो है ये पैर में क्या हो गया, ये पैर में क्या हुआ? ये जब पापा ने कोई चीज से जलाई दो चुप्पा थे हमें। तो यहाँ पर जो है महिला बात भी कर रही है, हालांकि कुछ बातें हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी सभी यहाँ पर लोग हैं उन्होंने भी बात सुनी है। तो जो सवाल हम कर रहे हैं वो बात वो बोल रही हैं, उसका जवाब भी दे रही हैं, कहाँ की वो रहने वाली हैं वो भी जवाब उन्होंने दिया है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल मैम क्या कहेंगे, आपने बात की है फिलहाल जिस तरीके से बता रहे हैं आपको क्या लग रहा है फिलहाल? देखो इंसान को सबसे पहले अपने माता पिता का प्यार चाहिए होता है और माता पिता के संरक्षण में ही रहकर एक बच्चा अपना घर परिवार पलता है बढ़ता है। जैसा कि ये बता रही है कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन शादी होने के पश्चात भी ये अपने माता पिता के घर में रह रही है, लेकिन पिता ने प्रताड़ित किया, मारा पीटा, जैसा ये बच्ची बता रही है। अभी एक पक्ष की तरफ है हमारी बात, हो सकता है कि कल को कुछ इसकी स्टेटमेंट और भी चेंज हो जाए, कुछ और भी कहे। अब ये कह रही है मेरे दो बेटे भी हैं, लेकिन फिर भी ये बेटी है, बेटी सड़कों पर नहीं रुलनी चाहिए। हम तो पानीपत से कपिल मल्होत्रा जी का, सविता आर्या मैम का और ये पुलिस कर्मी जो हमारी बहनें हैं ये सब जब इनको लेकर आए हैं तो हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और यही कहते हैं कि बेटियां कहीं पर भी हों सड़कों पर नहीं रहनी चाहिए, उन्हें एक आश्रम आश्रय मिलना चाहिए जहां सुरक्षित रह सके। तो आज ये हमारे पास अपना आशियाना में आए हैं और हम इनको बाइज्जत अच्छे से इनको इज्जत सहित यहां रखेंगे जब तक ये चाहे। जैसा कि हमारी वीडियोस वायरल होती हैं जाती हैं तो हमारे व्यूवर्स जो है उसे शेयर करते हैं, शेयर करने के पश्चात कहीं ना कहीं घर परिवार में जाकर वो इस वीडियो को देखते हैं, देखने के पश्चात उन्हें कुछ एहसास होता है कि शायद हमारे से कुछ गलत काम हुआ, हमारी बेटी ऐसे क्यों आश्रमों में रहे, और वो स्वयं यहाँ आकर लेने आ जाते हैं। तो हम अब भी आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना करेंगे कि IBN 24 के माध्यम से जिस तरह से ये समाज सेवा के कार्य में लगे रहते हैं और हमारी जितने भी व्यूवर्स हैं जो शेयर करते हैं हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और ये भी कहेंगे कि इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें ताकि इसके माता पिता तक ये वीडियो पहुंचे और वो इसे बहुत अच्छे से अपने घर लेकर जाएं, बेटी है उनकी अपने घर पर पालें। अगर उन्हें कोई भी समस्या है वो आए यहाँ हमें आकर बताएं, अगर उनकी समस्या वाजिब है तो ये बेटी हमारे पास सुरक्षित रहेगी और बहुत अच्छे से रहेगी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आप ध्यान से इस महिला को देखें, अगर कहीं पर भी इसके परिवारजन हो या कोई और हो, परिवार के कोई और लोग हों तो वो संपर्क कर सकते हैं करनाल में अपना शियाना के अंदर। और जो नंबर्स हैं वो भी यहाँ पर जो है आपको भी बता देंगे, लेकिन आपसे अपील है इस वीडियो को शेयर करें। हमारा हमेशा प्रयास रहता है इस तरह की महिलाएं हो या कोई भी व्यक्ति हो जो दिमागी रूप से अस्वस्थ हो कि उसके साथ कुछ गलत हुआ हो तो अपना शियाना आश्रम में उसे लाकर जो है रखा जाता है। उसके बाद ऐसे कई बता दें मामले हैं जिसमें परिवार के लोग मिल भी जाते हैं। आपको बता दें एक मामला ऐसा था जिसमें हिमाचल के चंबा से लोग लेने के लिए आए थे और आप समझ सकते हैं कि कितनी दूर से। इसके अलावा और भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर जो है प्रयास अपना शियाना आश्रम के लोगों का भी रहता है, जितने भी यहां पर सेवा करने वाले जितने लोग हैं। आपको बता दें हम फिलहाल सेवादार ही कहते हैं लेकिन सभी संचालक हैं, जैसे अनु मैम हैं या राजकुमार जी हैं तो यहां पर सेवा कर रहे हैं सालों से। तो यहां पर जो है फिलहाल मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस हालत में मिली हैं नंगे पैर ऐसी ही मिली हैं तो जी 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 बिल्कुल। लेकिन ये मैं आपको फिर से धन्यवाद देती हूँ कि आपके चैनल के सामने इसने अपना नाम और ये बताया कि मेरे दो बच्चे हैं, पहली बार ये इन्होंने बोला है नहीं। हमने दो तीन घंटे ही पुलिस वालों ने भी बात की, सुबह से ही लगी रही थी और मैंने भी बात करी, इसने कुछ भी बताने से बात नहीं कर रही बिल्कुल, मतलब ये बता ही नहीं रही थी मेरा घर कहाँ है, परिवार कहाँ है, बच्चे, ये कुछ नहीं बता रही थी। लेकिन सच में ये भगवान का घर है कि यहाँ आने के बाद इसने ये बताया है कि भाई मेरे ये नीलम अपना नाम जैसे बता रही है, दो बच्चे बता रही है पिता के घर में रहती हूँ, तो शायद आपके चैनल के माध्यम से इसका परिवार भी मिल जाए, बहुत अच्छी बात होगी और अच्छे से इसका इलाज करवाए परिवार, जो हमारी मदद होगी हम भी मदद करेंगे इलाज कराने में। लेकिन वो परिवार हम तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन ही करते हैं और सच में अगर ये जो नाम ये जो पता ये जो बता रही है तो
बहुत अच्छा लगा कि भाई आपके चैनल पे कम से कम इन्होंने ये चीज़ बोली। और जैसे मैडम ने बताया कि कोई भी बेटियां, जैसे आजकल घटनाएं जो हो जाती है रोड पे, अगर कोई महिला है कोई भी सुरक्षित नहीं है तो इसका भी ये खतरा तो होता ही है कि रोड पे कोई महिला या बच्ची घूम रही है। और जैसे ये अपने बेचारी कपड़े निकालने की कोशिश कर रही थी तो वहाँ पुरुष घूम रहे थे, तो देखो खतरा तो है ही महिला को तो हर जगह। तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि इस बच्ची का परिवार मिल जाए। और आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि कपिल जी हमारे साथ में, ये पानीपत के अंदर होते हैं और इनसे संपर्क करते रहते हैं यहाँ के अपना शयन आश्रम में, तो इन्हीं से ही जो है संपर्क करके आगे यहाँ पर इन्हें लेकर आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, महिला मिली है क्या? ऐसे स्वीता बहन जी का दिन में फ़ोन आया, भी ऐसे एक लेडीज मिली है उनको, आप उसको अपना शयाना कनाल में छोड़ देंगे? मैं छोड़ देंगे तो हम इकट्ठे अब पुलिस स्टाफ के साथ, स्वीता बहन जी के साथ यहाँ आपका अपना शयाना कनाल, राजकुमार जी, अनु मैडम हैं, अंशुल भैया हैं, बाली जी हैं, उनके बाद छोड़ने हैं। तो आपको बता दें समाज के ये वही लोग हैं जो समाज के ही काम आना है, सबको मिलके एक दूसरे के काम आना है, और यही हमारा प्रयास भी रहता है कि हमारी तरफ से भी जो हो सके और आपका एक शेयर जो है इनके इनके घर तक पहुंचा सकता है। आप ध्यान से इस महिला को देख लीजिए, ये महिला जो कि काफ़ी बुरे हालातों में रात को मिली अकेली, और ना जाने किस किस जो है समय का इन्होंने सामना किया, रात भर कहाँ कहाँ इन्होंने गुजारी है इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पुलिस का भी प्रयास जो है अच्छा रहा और साथ में जो समाज सेविक जो लोग होते हैं वो भी जो है उनके संपर्क में आने से जो है अब ये एक सही जगह पर पहुँच गई हैं। और यहाँ पर जो है फिलहाल आपसे अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मैम अपना नंबर बता दीजिए, अगर कोई भी ऐसी और महिला किसी को मिलती है तो वो नंबर। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने व्यूवर से, अपने सभी देखने वाले सभी दर्शक जितने भी यहाँ इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, हम यही कहना चाहेंगे कहीं पर भी आपको ऐसे लाचार, मंदबुद्धि, बेसहारा, अक्षम बुद्धि के या कोई भी जख्मी व्यक्ति मिलते हैं जिनको कीड़े तक पड़ जाते हैं, जिनका अपना घर परिवार नहीं होता, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9416110073 से संपर्क साध सकते हैं। 24 घंटे हमारी लाइनें उपलब्ध होती हैं। हम हरियाणा ही नहीं और भी कई जगहों से जहां से हमें ऐसे व्यक्ति मिलते हैं हम उन्हें यहां लाते हैं। ये एक प्रभु का घर है, एक शरण है। जी जी जी, तो यहाँ देख लीजिए अपना शयाना आश्रम के अंदर जो है इस समय वो आ चुकी हैं। तो यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहेंगे, अगर कहीं पर भी कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है तो आप अपना शयाना आश्रम में संपर्क करके जो है जानकारी ज़रूर दें। और फिलहाल आपसे पहले इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और जो राजकुमार जी हैं अपना शयाना आश्रम से, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आज महिला को लेकर आए हैं और लोगों से क्या अपील करेंगे? हमेशा उनका प्रयास जो है लोगों का भी बहुत ज़रूरी है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भी शेयर करें। देखिए ये तो सर्वप्रथम तो मैं आप ही का धन्यवाद करता हूँ, आईबीएन 24 के माध्यम से ना जाने कितने ऐसे लावारिस जो सड़कों पे एक बड़ा कष्टमय जीवन जी रहे होते हैं, तो उनको एक सही ठिकाना मिल जाता है। और आपके व्यूअर्स और फॉलोअर्स एक भगवान जी का ये कार्य करने लग गए हैं कि अब इस वीडियो को शेयर करते हैं, और ये आगे से आगे जब वीडियो शेयर होती है तो किसी ना किसी की हेल्प जरूर होती है। तो ये एक परमात्मा जी का मंदिर है। सविता आर्या जी हमारे कपिल मल्होत्रा जी पानीपत से हैं, जो समाज सेवी हैं, बड़े अच्छे सेवा का काम करते हैं। ये कहीं भी ये आप ही के द्वारा प्रेरित है, देखा जाए तो उन्होंने, आपने प्रेरित किया हुआ है, उनके मन में संकल्प आया तो उनको ऐसे एक बहन जो अभी तो हमने केवल एक पक्ष ही आपने सुना है, अभी दूसरा पक्ष जब उसका परिवार आएगा तो तभी पता लग पाएगा पूरी कहानी, पूरी कहानी का। और इस दौरान इसका सेकेट्रिक से अगर मानसिक है तो हम सेकेट्रिक की हेल्प लेंगे और वो इनके साथ काउंसलिंग करके जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे वो देंगे। तो सर राय की कुछ प्रताड़ित तो है ही है, ये दिमागी तौर पर कुछ ऐसा दिमागी रूप से परेशान है, मानसिक तो लगी रही है, ये डॉक्टर्स ज्यादा है वो डॉक्टर्स ही बता पाएंगे जी। डॉक्टर बता के जैसा वो इलाज बताएंगे वो करेंगे, और इसको एक सुरक्षित जगह मिल गई है, खाने को रोटी मिल जाएगी और रहने के लिए इसको एक मकान छत मिल गया है। हमारे बाबूजी हैं जो जगमेर पाल जी, जो सेवा के कार्य में हैं, ये ज्यादा बता सर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना शयाना आश्रम जो है ये मानव पीड़ित मंदिर है। इस मंदिर के अंदर जो जो व्यक्ति आ रहा ना जी, आज भी एक लड़की हमने भेजी और वो अपने घर नहीं जा रही थी, वो अपने घर नहीं जा रही थी और ये यहाँ बेटी आई है, और ये देखिए कि ये यहाँ बहुत अच्छे से ठीक होकर जाएगी, क्योंकि ये जो आपका अपना आशियाना आश्रम के अंदर आईबीएन 24 का जो आपका सहयोग, ये भगवान भोले बाबा की कृपा समझो कि इस कड़ी के साथ कड़ी जुड़ती चली जाए और कारवा बढ़ता चला जाए, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात भी है और इसका दुख भी कट जाएगा इस आश्रम से, भगवान जी ने चाहा बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आप सबका सहयोग और भगवान जी का आशीर्वाद
बना रहे हम सब। जी जी जी, तो यहाँ पर जो है मैम अभी बात भी हुई महिला से, कुछ और भी बोल रही हैं। जी जी, बात करने की कोशिश की जा रही है, अगर ईश्वर ने चाहा तो रात को इसकी काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग करने के बाद जल्द ही शीघ्र अतिशीघ्र अगर इनके घर परिवार तक मिल जाते हैं तो हम उन्हें बुलवाएंगे और इन्हें भिजवाएंगे घर तक। थोड़ा खुश भी थी, कुछ स्माइल भी कर रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल, आगे से थोड़ी सी बेहतर लगी है, क्योंकि देखो सड़क पे रहना और एक छत के नीचे, ईश्वर ईश्वर रूपी घर है जहाँ, कहते हैं ना जिंदगी में अपने पन का बड़ा एहसास होता है, जो दूसरों के गमों को अपनाए वही सच्चा इंसान होता है। मैं आपको भी यही कहूँगी, आप सच्चे इंसान की तरफ एक सिपाही की भांति आप इस तरह से कार्य करते हो। IBN 24, आकर्षण ऊपर, दर्पण ऊपर, पूरी टीम इस तरह से करती है कार्य। मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, अपने व्यूवर्स का भी धन्यवाद करती हूँ जो इस तरह से धन्यवाद। अच्छा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा अच्छा लग रहा है? अच्छे गाने लगी, अपना भूल जाएगी तो नहीं। यहाँ आके अच्छा लग रहा है? हाँ, खुश हो आप? खुश हो लड़का है, पापा मम्मी तब बुलाए कि मेरे साथ तो ठाणे करो बीचम, तब ठाणे बीचम हुई। तो चल कोई नहीं बहना, घर पहुंचाएंगे, घर जाओगे आप, ठीक है? जाना है ना घर? अच्छे से मान इज्जत से भेजेंगे, ठीक है? नाम लिख के वो भेज, नीलम, नीलम नाम है ना आपका? मैं खुद संपर्क करूंगी। तो यहाँ पर जो है इस वीडियो को शेयर करें और महिला के जो भी जितने भी परिवार के कोई लोग हों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दें, आम लोगों से कहना चाहेंगे शेयर करेंगे तो परिवार का पता चल पाएगा। और आपसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।